गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। माई डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफिकल क्वेश्चन एंड दैट इज़ द MCQ बेस्ड क्वेश्चन। और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में ये जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, मैं कई बार आपके फाइनल में, UT में और SA1 में पूछ चुका हूँ। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए जो इस तरह के ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, आई वाज ऑब्जर्व कि स्टूडेंट्स हैव टू फेस ए ह्यूज प्रॉब्लम टू सॉल्विंग दिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल क्वेश्चंस। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हेयर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन। एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। सो फ्रॉम देयर यू कैन सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू सोल्व दिस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन इफ इट विल आस्क बाय द एग्जामिनर इन योर फाइनल एग्जाम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं आज के इस ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन को। आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द क्वेश्चन इज The velocity time graph of a body is given in figure। यहाँ पर आपको velocity और time में एक graph जो है वो show किया गया है। देखिए इस graph को बड़े ध्यान से देखेंगे हम, जिसमें हमने दो coordinate axes ली गई हैं। This is the horizontal axis जिसको मैं x-axis कह रहा हूँ and this is the vertical axis जिसको y-axis का नाम दिया जा रहा है। y-axis पे जो है हम velocity को denote कर रहे हैं और x-axis पे जो है हम time को denote कर रहे हैं in terms of सेकेंड। तो वो कह रहा है कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। इस ग्राफ के अंदर आपको चार पार्ट दिखाए गए हैं, ध्यान से देखें। दिस इज द फर्स्ट पार्ट OA, दिस इज द सेकेंड पार्ट OB, दिस इज द थर्ड पार्ट BC एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट CD। इन चारों पार्टों के अंदर आप हमें ये बताएंगे कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर है और कितनी है। दोबारा देखें, y एक्सिस पे वेलोसिटी एक्सिस को दर्शाया गया है और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पे टाइम को दर्शाया गया है। ये ग्राफ आपके सामने यहाँ रख दिया गया है, जिसके अंदर चार आपको पार्ट शो किए गए हैं, OA, AB, BC एंड CD। आपको बताना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस पार्ट में होगी और कितनी होगी। तो बड़े ध्यान से देखें, अगर हम इस पार्ट OA की बात करें तो ये बात सच है कि जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब OA के अंदर एक्सेलरेशन का पार्ट शो हो रहा है। लेकिन अगर हम AB की बात करें तो AB के अंदर देखो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब इस पार्ट के अंदर हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम BC के अंदर आए तो इसके अंदर भी देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। तो इस पार्ट में भी आपकी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और इस पार्ट में भी आपकी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। और अगर हम इस पार्ट की बात करें CD की, तो ध्यान से देखें आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ रिटार्डेशन, नॉट ऑफ एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन आपके सिर्फ दो ही पार्ट के अंदर आ रही है, एक इस पार्ट के अंदर OA के अंदर और दूसरी आपकी आ रही है BC के अंदर। तो वो कह रहा है बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस पार्ट में है और कितनी है। तो सबसे पहले मैं दोनों पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन निकालूंगा, OA के अंदर भी एक्सेलरेशन निकालूंगा और BC के अंदर भी एक्सेलरेशन निकालूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि किस पार्ट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और कितनी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखें, मैं OA वाला पार्ट ले रहा हूँ। कौन सा पार्ट लिया जा रहा है? OA का पार्ट लिया जा रहा है। अगर हम पार्ट OA की बात करें इस पार्ट की, तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालें A, तो एक्सेलरेशन यू नो वेरी वेल इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी क्या है? जीरो है। यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी कितनी है? 20 है। तो फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम दैट इज 20 माइनस 0 दैट इज 20 तो सेकेंड। तो इसमें आपकी एक्सेलरेशन आ गई, दैट इज 20 से 20 कट गया आपका, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब OA वाले पार्ट में आपकी जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड अगर हम BC वाले पार्ट में बात करें, पार्ट BC में अगर हम बात करें
तो अगेन बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज सपोज यहां पर है हमारे पास 60, यहां पर कितनी है आपकी 60 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इस वाले पॉइंट पे देखें सी पॉइंट पे तो वेलोसिटी है दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, और अगर बी वाले पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन एक्सेलरेशन निकाली जाएगी, एक्सेलरेशन इज अगेन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट मीन 60 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज इस पॉइंट पे जब हमने वेलोसिटी चेक की तो 60 मीटर पर सेकेंड थी, टाइम था 40 सेकेंड, दैट इज 40 सेकेंड माइनस, अगर हम इस पॉइंट पे चेक करें तो वेलोसिटी है 20 और टाइम है 30, दैट इज 30 सेकेंड, तो इट कम्स आउट टू बी 60 माइनस 20 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 40 माइनस 10 दैट इज 10 सेकेंड, तो जीरो से जीरो कट गया, तो एक्सेलरेशन इज कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ध्यान से देखें आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ पर है, दो पार्ट के अंदर मैंने दिखाया, OA और BC के अंदर है, OA में है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, BC में है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो वो यही कह रहा था कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो किस पार्ट में है, तो पहला ऑप्शन BC वाले पार्ट में मैक्सिमम एक्सेलरेशन है और कितनी है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, सो इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन का अगर हमें राइट आंसर देखना है दैट इज ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो दिस इज द ग्राफिकल बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए जो है आज मैं इसका एक वीडियो जनरेट कर रहा हूँ, और जल्दी इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसको समझ पाएं और देख पाएं कि अगर इस तरह के ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके फाइनल में पूछे जाते हैं तो आप उन्हें कैसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय गुरु जी।